तेजस्वी प्रकाश और शमिता शेट्टी से शिल्पा शिंदे और हिना खान तक टीवी के वो सितारे जो एक दूसरे के हैं जानी दुश्मन। टीवी के सितारे अपने किरदार की वजह से दर्शकों और फैंस का दिल जीतने में कामयाब होते हैं, वो दर्शकों को एंटरटेन करते हैं, लेकिन शो में कई बार एक कलाकार की दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनती। वो एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते। व्यक्तिगत जीवन में तो इनकी अनबन होती ही है, लेकिन इनका मतभेद कई बार पर्दे पर भी सामने आ जाता है। और बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में अनबन वाले कंटेस्टेंट्स को ही लाया जाता है और इनके बीच जबरदस्त फाइट देखने को भी मिलती है। आज हम इसी तरह की जोड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं जो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती है। इस कड़ी में सबसे पहले नाम आता है शिल्पा शिंदे और हिना खान का, जो बिग बॉस सीजन 11 में साल 2017 के दौरान नजर आए थे। बिग बॉस के घर में भी इनके बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिली और ये व्यक्तिगत जीवन में भी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। इस कड़ी में अगला नाम है शहनाज गिल और हिमांशी खुराना का, जो बिग बॉस सीजन 13 में नजर आए थे और इनके बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिली थी। व्यक्तिगत जीवन में भी ये दोनों एक दूसरे से दूरी बना कर ही रहते हैं। इस कड़ी में अगला नाम रुबीना दिलेक और कविता कौशिक का है, जो बिग बॉस सीजन 14 में नजर आए थे। दोनों के बीच बड़ा झगड़ा देखने को मिला था। अभिनव शुक्ला ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब ना हो सके। रियल लाइफ में भी ये दोनों एक दूसरे से दूरी बना कर ही रहते हैं। इस कड़ी में अगला नाम रश्मि देसाई और देवलीना भट्टाचार्य जी का है। ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, जो बिग बॉस सीजन 13 में एक साथ नजर आए थे, लेकिन बिग बॉस सीजन 15 में जब ये दोनों एक बार फिर साथ वापस दिखाई दिए तो इनके बीच ज़बरदस्त फाइट देखने को मिली। उसके बाद दोनों ने दूरी बना ली थी। हाल फिलहाल खबर आई है कि दोनों अपने बीच मतभेद सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में आखिरी नाम शमिता शेट्टी और तेजस्वी प्रकाश का है, जो बिग बॉस सीजन 15 में नजर आए थे। दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट देखने को मिली थी और रियल लाइफ में भी ये दोनों एक दूसरे से दूर ही रहना पसंद करते हैं। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।